इसराइल हमास युद्ध के बीच रफा में जंग रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के सामने प्रस्ताव रख दिया है। इस प्रस्ताव में रफा में युद्ध रोकने के लिए तीन चरणों को पेश किया गया है और अब पीएम नेतन्याहू इस प्रस्ताव पर अपनी कैबिनेट में मंथन कर रहे हैं। लेकिन इधर रफा पर कोई निर्णायक फैसला लेने के लिए माथापच्ची चल रही है। वहीं दूसरी तरफ रफा में हमास के लड़ाके इसराइली सेना के ऊपर और ज्यादा कहर बरपा रहे हैं। दरअसल फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की सैन्य शाखा अलकुद्स ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि जब जबालिया कैंप में इजरायली सेना घुस रही थी तो उस वक्त उनके ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा और भीषण हमला किया गया है। दरअसल इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अलकुद्स के लड़ाके ताबड़तोड़ तरीके से रॉकेट लॉन्चर से इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं और इसी वीडियो में दिख रहा है कि एक लड़ाका रॉकेट लॉन्चर लेकर IDF टैंक पर हमला कर देता है। इसके बाद कुछ लड़ाके कंधे पर रॉकेट लेकर हरियाली के बीच जाकर उसे फायर कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक लड़ाका IDF सैनिकों के ऊपर स्नाइपर ऑपरेशन करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में आगे दिख रहा है कि हमास के कुछ लड़ाके राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अलकुद्स के कुछ लड़ाके हरियाली के बीच छिपकर लॉन्चर में रॉकेट भरकर उन्हें दनादन फायर कर देते हैं। इसके बाद कुछ रॉकेट दिन के उजाले में फायर होते हुए दिख रहे हैं। यही नहीं, अलकुद्स के कुछ लड़ाके आसमान में उड़ रहे एक एयरक्राफ्ट नूमा ऑब्जेक्ट पर रॉकेट लॉन्चर से फायर करते हैं जिसके बाद वो एयरक्राफ्ट अचानक से नीचे आता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो के अलावा अलकुद्स ब्रिगेड ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें अलकुद्स के लड़ाके मार्टियर उमर अल कासिम ब्रिगेड के साथ रॉकेटों और गोला बारूद को जंग के लिए तैयार करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे अलकुद्स और उमर ब्रिगेड के लड़ाके बड़े बड़े रॉकेटों को हमले के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके बाद इन रॉकेट्स को टाइमर लगाकर चेक भी किया जा रहा है। इसके अलावा ये लड़ाके रॉकेट के भीतर बारूद भरकर उसे कस भी रहे हैं। कुछ लड़ाके रॉकेट के आगे वाले हिस्से पर नुकीला सा एक पुर्जा भी कस रहे हैं।